बोथे आली किराड़ दी माड़ी है ते चौ दीवारी आई इत्थां खूह चलदे हन मुदेरे आंदे हन ते ए चबारे चों फ्लड पंज नन दा इत्थों पानी चबारे चों टपते गिया पिया वाली को कुछ नहीं थिया हुण छोदी आ खुथी है ते डठी है चौथी फिर हवेली खूह चलदे हन दीवार आई मुकम्मल अच्छा कच्ची दीवार है वाल ओ किरार भाग गए दौरे ये वो कुआं है जिसमें से हिंदू जो थे वो बैलों के जरिए पानी निकाला करते थे और जो इनकी ज़मीनें थीं आसपास उनके घर के उनको सैराब किया करते थे। काला चल जाए ना करे पुराने दौर का खूह ना अच्छा एक खूह डोले ना ये थी ना ये वाले डांस चलते हैं डांस गिड़े ना ये जमीन आज पानी लगता है जमीन आज पानी लगता है यानी कि तोरी अपना देखने खुद डिटे है गन तुम रहे ने आन हिंद ते पक दी है कोई पता है के है किंदी ए जी हवेली किंदी आई शुरू है ए शुरू है से किराड़ा देवे ना इमारी को ये देखें ये इसकी बाउंड्री है उस वक्त की अभी तक भी कुछ ना कुछ इसके जो है आसार मौजूद है ये देखें आपको नजर आ रहा होगा कि जो दूसरी जमीनें हैं वो इससे थोड़ी नीचे हैं यानी कि ऊंचाई पर थी और कहा जाता है कि यहाँ पे जब फ्लड आया था 1973 में तो उस वक्त जो है इसके जो रोशनदान है उसमें से भी पानी निकल गया था यानी कि इतना ऊंचा पानी था और उस वक्त भी इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये देखें ये सारी इसकी बाउंड्री है कच्ची और एक छोटा सा दरवाजा हुआ करता था गेट नहीं था हालांकि ये बहुत बड़ी एक तकरीबन इसको आप कह लें एक बीघे में है ये लेकिन फिर भी इसकी जो बाउंड्री थी वो कच्ची हुआ करती थी और एक छोटा सा दरवाजा था गेट नहीं था छोटा दरवाजा था उसी से ही आया जाया करते थे लकड़ी का दरवाजा हुआ करता था। ये देखेंगे सारी इसकी बाउंड्री है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं मौजूद हूँ ज़िला भावलपुर की तहसील अहमदपुर शरकिया के एक नवाही कस्बे में जिसका नाम है वाही भोजियाँ। ये कस्बा जो है अहमदपुर शहर से तकरीबन 15-20 किलोमीटर दूर है एक देहाती इलाका है और ये जो हवेली है इसके बारे में कहा जाता है कि ये कम से कम 100-150 साल पुरानी होगी और ये हवेली जो है इसको मंसूब किया जाता है एक हिंदू ताजर से जिसका नाम जो अब बिगड़ के हो चुका है बोथा जिसको बोथा किराड़ के नाम से जाना जाता है या बोथा राम के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। हालांकि अगर हम इस कस्बे का अगर नाम देखें तो वो है वाही भोजियाँ तो भोजा और बोथा दोनों एक दूसरे से मुमासलत रखते हैं काफ़ी तो ये कभी इम्कान है कि इसका सही नाम जो है उस जो ताजर था हिंदू उसका सही नाम भोजा था यानी कि भोजा राम। इस वक्त मैं इस हवेली के सहन में ठहरा हूँ और आपको इसका फ्रंट दिखा रहा हूँ। ये देखें नहायत ही खूबसूरत इस हवेली की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए जो है हाथ से फूल बनाए गए हैं उसके अलावा खूबसूरत रोशनदानों का इस्तेमाल किया गया हवा के लिए। अब मैं इस हवेली के अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। ये जो सात लोग हैं मेरे यहाँ के इस हवेली के साथ जो रहते हैं उनका कहना है कि आप अंदर ना जाएं क्योंकि यहाँ पर जिन्नात का साया है लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसको अच्छी तरह से दिखा सकूँ दूर दूर से। ये देखें सामने आपको दो कमरे नज़र आ रहे होंगे ये छोटे छोटे इसके अंदर दरवाजे लगे हुए हैं। ये देखें ये मैं इसके बरामदे के अंदर आ गया हूँ। इसकी छत देखें आप लकड़ी से बनी हुई छत है शायद तीरों का इस्तेमाल किया गया है। सामने देखें ये देखें सात और भी कमरे हैं जो कि अब गिर चुके हैं। ये देखें इसकी जो दीवारें हैं वो भी गिर चुकी हैं अब। ये देखें यहाँ भी एक कमरा था ये भी गिर चुका है। ये देखें एक दरख्त भी है यहाँ पर। मज़े की बात यह है कि आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले जो है जो यहाँ पर लोग काम करते हैं वो इस हवेली में जो है अपना खाद वगैरह रखा करते थे इसके अंदर बीज रखा करते थे लेकिन अब ये किसी काम की नहीं रह गई। ये देखें कहा जाता है कि यहाँ पर जिन्नात का साया है। ये देखें कमरा मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये देखें ये खिड़कियाँ बनी हुई हैं हवा के लिए। ये देखें रोशनदान भी है इसके अंदर। ऊपर छत देखें आपको वही लकड़ी की जो शतीर हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं इसके अंदर। ये देखें
अभी मैं आपको एक ईंट दिखाता हूँ कि कितनी खूबसूरत ईंट है जो कि इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की गई थी। ये देखें, अच्छा ये देखें, इस हवेली के साथ ही जो है ये कुआं है एक, जो कि तकरीबन 100 फुट गहरा है और उतना ही पुराना है जितना कि ये हवेली। और यहाँ पे जो मकामी लोग हैं जो यहाँ पे रह चुके हैं काफ़ी अर्से से, वो कहते हैं कि हमने खुद देखा था कि बैलों के ज़रिए से जो है यहाँ से पानी निकाला जाता था, फसलों को सैराब किया जाता था, और ये कुआं अभी तक मौजूद है। और इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि डिज़ाइनिंग भी हुई हुई है, वो देखें। अच्छा, इर्द गिर्द जो है ये सारी फसलें हैं और ये हवेली जिस बंदे की है उसी की जो है इर्द गिर्द सारी फसलें हैं। ये वो कुआं। अच्छा, कहा जाता है कि इस हवेली में जो है वो जिन्नात का साया है और वो जो है इस हवेली को ना अब मुरम्मत करने देते हैं और ना ही यहाँ पर जो है काश्तकारी करने देते हैं, इसलिए ये हवेली जो है इसकी पूरी की पूरी जगह वैसे की वैसे पड़ी है। यहाँ पर इसको ना बनाया जा सका इस हवेली को और ना ही जो है यहाँ पर काश्तकारी की जा सकी है। ये देखें, ये इस हवेली के चारों तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि गंदम का सीज़न चल रहा है तो कटाई हो रही है किसी जगह पे, कहीं पे हो चुकी है। ये देखें, ये इसी हवेली का एरिया था सारा। ये देखें सारा, जैसा कि आपको मालूम है जब 1947 में तकसीम हुई तो हिंदू और सिख जो इस एरिया में रह रहे थे पाकिस्तान वाली साइड पे, तो वो भागे हिंदुस्तान की तरफ और जो मुसलमान उधर रह रहे थे वो भागे पाकिस्तान की तरफ। तो इंडिया की जो हुकूमत थी उसने ये क्लेम किया कि जो हिंदू और सिख हैं वो पाकिस्तान में तकरीबन 38 अरब रुपए के, उस वक्त के 38 अरब रुपए जो थे कि उस रिसोर्स जो हैं वो पाकिस्तान में छोड़ कर आए हैं, ये इंडियन हुकूमत ने क्लेम किया था 38 अरब 1 करोड़ रुपए। जबकि उन्होंने कहा था कि जो मुसलमान हैं वो हिंदुस्तान में तकरीबन 4.25 अरब रुपए के असासे जो हैं वो अपने छोड़कर गए हैं। इसके अलावा इंडिया की हुकूमत ने यह भी क्लेम किया कि जो अनडिवाइडेड पंजाब था, यानी कि जिस वक्त पंजाब जो था इकट्ठा था, तो इसमें जो सिख और हिंदू रहते थे उन्होंने तकरीबन 66 लाख एकड़ जो है ज़रूरी ज़मीन जो है वो यहाँ पर छोड़ी, वो उनकी मलकियत थी जो उन्होंने पाकिस्तान में छोड़ी। जबकि पाकिस्तान आने वाले जो मुसलमान थे जो इंडिया से आए थे उन्होंने तकरीबन जो है 54 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो इंडिया में छोड़ी थी, लेकिन बाद में जो है पाकिस्तान ने इस इंडियन हुकूमत के जो ये क्लेम था उसको रद्द किया। उन्होंने कहा ये सब झूठ है, ये सब प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इस तरह से जो है 1947 में वो लोग जो इतने सालों से इकट्ठे रह रहे थे, एक दूसरे के गम में, एक दूसरे के सुख में दुख में शिरकत करते थे, तो उन्होंने ऐसी आंखें बदली एक दूसरे से कि एक दूसरे के ही दुश्मन बन गए। और बस फिर उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए वो वहाँ से भागे, उन्होंने अपनी ज़मीनें छोड़ी, उन्होंने अपनी जायदादें छोड़ी, उन्होंने अपना पैसा छोड़ा, कई लोगों ने तो अपनी फैमिलीज़ भी छोड़ दी, कई लोग गुम हो गए, कई लोग कत्ल हुए, बहुत कुछ हुआ 47 में। और इस तरह से वो अपनी यादें जो उन्होंने यहाँ गुजारी वो अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने छोड़ दी। कई लोग जो है उन्होंने अपना जो सोना वगैरह था, क्योंकि हिंदू उस वक्त के बहुत बड़े ताजिर थे, साहूकार थे, लोगों के सोने की चीज़ें वगैरह जो है वो लेकर उनको सूद के ऊपर पैसे दिया करते थे लोगों को, तो उनके पास वाफिर मिकदार में जो है सोना मौजूद था, तो इसीलिए जो है वो उन्होंने अपनी घरों में जो है ज़मीन खोदी और उसके अंदर जो है वो सारा सोना और जो उनके पास तलाई जेवरात थे वो ज़मीन में दबा दिए, किसी ने घड़े की शक घड़े में डाल के, किसी ने किसी देगची में डालकर, हांडी में डालकर वो उन्होंने ज़मीन में दबा दिए। इस तरह के कई जो हैं हमें वाकयात मिलते हैं, जैसे कि कहा जाता है कि जंग में इसी तरह से एक हिंदू जो है वो 47 में जब जंग से चला गया तो 1948 में वो वापस आया और अपने साथ वो पुलिस को लेकर आया और वो उस घर में चला गया जहाँ वो रहता था और उसने वहाँ से ज़मीन खोदी। ज़मीन खोदने के बाद जो है उसका जो सोना वहाँ पर मौजूद था वो उसने निकाला और अपने साथ इंडिया ले गया। तो ये हालात थे उस वक्त 47 के, और उसी वाक़े की एक कड़ी जो है आज मैंने आपको दिखाई है। और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा व्लॉग जो है आज का अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए
नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह ताला फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।